बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से होंगे आप डियर स्टूडेंट। तो आज जो टॉपिक हमारा 5.1, ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। यूनिट का नाम पॉलीनोमियल्स है। तो सबसे पहले आपको जो है पॉलीनोमियल्स की डेफिनेशन आनी चाहिए कि पॉलीनोमियल्स की डेफिनेशन क्या होती है। आपको उम्मीद आती भी होगी, थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। पॉलीनोमियल की डेफिनेशन ये है कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, ठीक है, उसकी जो टर्म है, जो जितनी भी टर्म है, एक टर्म है, दो टर्म है, या उसके अंदर तीन टर्म इस्तेमाल हुई है, चार टर्म इस्तेमाल हुई है, जितनी भी टर्म है वो उनकी जो पावर है या एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव में होना चाहिए, या कोई जीरो या जीरो होनी चाहिए, या पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। नेगेटिव में उनकी पावर जो है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, ठीक है, जो उसकी जितनी भी टर्म्स हैं, एक है या चार है या दो है या तीन है, उसमें उनकी जो पावर है वो जीरो होनी चाहिए या कोई पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, इसमें देख सकते हैं कि जितने भी इसमें टर्म दी हुई है, ठीक है, उसमें सबकी जो पावर है वो पॉजिटिव है, ठीक है। ये प्लस 2 है, ये एक्स के ऊपर पावर क्वेश्चन में नहीं मेंशन, मैंने इसके ऊपर लगाई है कि आपको पता चल जाए, क्योंकि इसके ऊपर भी 1 पावर होती है। अगर 0 होगी पावर तो 0 पावर ऊपर लिखी होगी, अगर नहीं लिखी हुई तो इसका मतलब 1 है। इसलिए ये जो पहला पार्ट है ये आपका पॉलीनोमियल होगा। ठीक है जी, अब नेक्स्ट पार्ट पार्ट 2 की तरफ आते हैं। इसमें जैसे कि आपको वाजिया नजर आ रहा है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं कि पावर यहाँ पे नेगेटिव हो रही है, नेगेटिव लिखी हुई है, यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव है, तो ऑटोमेटिकली ये जो है पॉलीनोमियल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बाद में आते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर पार्ट इसका जो 5 है वो सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 5 में देख सकते हैं यहाँ भी आपको पावर पॉजिटिव नजर आ रही है, ठीक है, तो ये भी आपका पॉलीनोमियल है, ठीक है। उसके नंबर इसका पार्ट 6 है, पार्ट 6 भी आपको नजर आ रहा है, ठीक है, इसमें भी जो बल्कि इसको भी बाद में सॉल्व करते हैं, बल्कि आपने खुद सॉल्व करना है। हम इसकी तरफ आते हैं पार्ट 4 की तरफ, ठीक है जी। ये पार्ट 4 में देखें, एक्स ओवर वाई की पावर 2 प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स, ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि सारी पावर पॉजिटिव है। तो थोड़ी देर के लिए आप 5 सेकंड का टाइम मैं देता हूं, आप सोचें कि इसमें सारी पावर जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, कोई भी पावर नेगेटिव नहीं है, तो क्या ये पॉलीनोमियल है, ठीक है। इसमें जो आपके एक्सप्रेशन से लग रहा है कि 50-50 है, ज्यादा कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ये पॉलीनोमियल है, कुछ कह रहे हैं कि नहीं है, ठीक है, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है कि ये पॉलीनोमियल जो है ये नहीं है, ये वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्यों नहीं है, ये इसलिए नहीं है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x और y पावर 2 है, y स्क्वायर है, ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये पावर को हल करने का ये रूल है कि जब भी पावर को हल करते हैं तो पावर जब भी हल होने के लिए ऊपर जाएगी, तो ऊपर जाने के बाद जो पावर अगर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है, तो जब ये ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगी, जब ये नेगेटिव हो जाएगी तो जो पॉलीनोमियल की जो डेफिनेशन है उसके ऊपर ये वाली जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये पूरा नहीं उतरता। क्यों नहीं उतरता, कि पावर जब नेगेटिव हो जाएगी तो नेगेटिव वाली जो पावर होती है वो पॉलीनोमियल नहीं होती, ठीक है। प्लस 1 है, माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स है, यहाँ पे भी पावर मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी पावर प्लस 1 है, जब ये इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये माइनस 1 जो है ऊपर जाके हो जाएगी, इसलिए ये भी जो है आपका पॉलीनोमियल नहीं है। इसका पार्ट 5 कर दिए, पार्ट जो 6 है ये आपने खुद हल करना है, ठीक है, ये पार्ट सिंपल है, ठीक है, जस्ट सिंपल लिखा हुआ है तो आपने इसको खुद सॉल्व करना है। एक पार्ट मैंने इसका और छोड़ा हुआ है, ठीक है, वो वाला पार्ट भी जो है आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। अगर इसमें इन पार्ट की समझ नहीं आती तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, तो इसका जवाब आपको बता दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के व्हाट कांस्टेंट आर यूज्ड इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ठीक है, कौन कौन से कांस्टेंट जो है इस एक्सप्रेशन में आपको इस्तेमाल हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप कुछ देर के लिए कांस्टेंट की डेफिनेशन सोचेंगे, कांस्टेंट क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी है। तो जी बिल्कुल 100% आपने बिल्कुल ठीक सोचा है कि कांस्टेंट जो है किसी भी फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू को कहते हैं, किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर जो फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो उसका कांस्टेंट कहलाता है। पार्ट 1 में देखते हैं, तो पार्ट 1 में
सेवन एक्स माइनस सिक्स वाई प्लस थ्री जी, तो इसपे देखें तो कोई भी कॉन्स्टेंट जो है हमें नजर नहीं आ रहा, ये सेवन सिक्स और थ्री जो नजर आ रहे हैं ये बेसिकली कोफिशियंट ऑफ वेरिएबल हैं। इसमें तीन वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं, एक्स वाई एंड जी, ठीक है। तो एक्स वाई एंड जी तीन वेरिएबल हैं, इन वेरिएबल से पहले जो नंबर आते हैं वो कॉन्स्टेंट नहीं कहलाते बल्कि वो कोफिशियंट कहलाते हैं, ठीक है। इसके अंदर कोई कॉन्स्टेंट नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल जी आपको पार्ट टू है फाइव एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, ठीक है। फाइव यहाँ पे आपका कोफिशियंट ऑफ वेरिएबल यानी कोफिशियंट है, ठीक है, एक्स का, और थ्री यहाँ पे जो है इसका कॉन्स्टेंट है, माइनस थ्री सॉरी माइनस थ्री यहाँ पे कॉन्स्टेंट है। पार्ट थ्री देखते हैं, एट एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस फाइव, यहाँ पे फाइव जो है वो कॉन्स्टेंट है, प्लस फाइव कॉन्स्टेंट है, एट एंड टू यहाँ पे इसके कोफिशियंट है। 9y plus 3x minus 2z, ये वाले जो एक्सप्रेशन है पार्ट 4 में, इसमें भी कोई कांस्टेंट नहीं है, ये तीनों जो नंबर आपको नजर आ रहे 9, 3 एंड minus 2, ये यहाँ पे इसके कोफिशिएंट है, इसमें कांस्टेंट नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला जो क्वेश्चन 5 है, ठीक है, ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। बहुत सिंपल और आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई इतनी टेक्निकल बात नहीं है, जस्ट आपने डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतने इंपॉर्टेंट इस वाले से हैं कि ये एमसीक्यूज वगैरह में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक नंबर का एमसीक्यूज में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसकी अहमियत एक नंबर के लिहाज से नहीं है, बल्कि आपने इसको अच्छे तरीके से ज़हन नशीन करना है कि आगे जो क्वेश्चन आएंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, अलजेब्रा के अंदर, तो उसमें अगर डेफिनेशन क्लियर होंगी आपकी तब इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है इसका 6 वो हल करेंगे, 5.1 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 6, राइट डाउन द डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल गिवन बिलो, ठीक है। इसमें जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं हर क्वेश्चन में एक नई चीज पूछ रहा है, और ये सारी जो चीजें हैं हमने इससे पहले जो वीडियो है जैसे प्रीवियस स्टार्ट में जो यूनिट के शुरू की थी वीडियोस उसमें सबकी डेफिनेशन दी हुई है। डिग्री क्या होता है, डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल क्या होता है, ठीक है, आप लोग सोचें कि डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल क्या होगा, ठीक है जी, बिल्कुल आपने ठीक सोचा है। डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल जो है वो ही होता है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर किसी भी टर्म की जो हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी डिग्री कहलाती है, डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल होगी। यानी किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कोई भी एक टर्म है, चाहे वो एक टर्म है, दो टर्म है, तीन टर्म है या चार टर्म है, ठीक है, उनकी जो हाईएस्ट उन तीन सब टर्म में जो हाईएस्ट पावर होगी वो उसकी डिग्री कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है के एक्स की जो पावर है वो 1 है, ठीक है, तो ये भी यही हाईएस्ट पावर है, इससे हाईएस्ट पावर इस पार्ट में नहीं है, तो इसकी जो डिग्री है, ठीक है, वो 1 ही होगी, ठीक है। पार्ट 2 की तरफ आते हैं, यहां पे आपको पावर नजर आ रही है एक्स की पावर 2 है, ठीक है, और यहाँ पे एक्स की पावर 1 है। ज्यादातर क्वेश्चन बच्चे इस क्वेश्चन को इसमें मिस अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि दोनों की पावर को ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो आपने दोनों की पावर को ऐड नहीं करना, बल्कि दोनों में से जो हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो इस पॉलीनोमियल की डिग्री 2 होगी। पार्ट 3 की तरफ चलते हैं, पार्ट 3 में इसकी जो पावर है वो 3 है, इन दोनों की जो 1 है, ठीक है, एक्स की भी 1 है, वाई की भी 1 है, ठीक है, तो ये दोनों को प्लस करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो आपको नजर आ रही है 3, ठीक है, इसकी हाईएस्ट पावर 3 नजर आ रही है, तो इसकी जो डिग्री है वो 3 होगी। पार्ट 4 है, पार्ट 4 में ये अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही टर्म है, ठीक है, इसको अलग अलग नहीं समझना बल्कि एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर, ये बेसिकली एक टर्म है, इसकी जो पावर को प्लस करें दोनों की जो 4 है, इसकी 3 है, इसकी 2 है, ठीक है, तो इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो यहाँ पे 4 है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या इस पॉलीनोमियल की जो डिग्री होगी वो 4 होगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी काफी आसान है, अच्छे तरीके से समझ जो है वो आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इसको सॉल्व करेंगे, आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। सेपरेट द पॉलीनोमियल एज लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक एंड बाइक्वाड्रेटिक, ये आपके पास नीचे पॉलीनोमियल जो है क्वेश्चन में दिए हुए हैं, ये आपने बताना है कि इसमें से कौन से क्वेश्चन जो है वो लीनियर पॉलीनोमियल के हैं, कौन से क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के हैं, कौन से क्यूबिक पॉलीनोमियल के हैं और कौन से बाइक्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले आपको इनकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए। इनकी डेफिनेशन का जिक्र इससे पहले हमने नहीं किया, फर्स्ट टाइम ही कर रहे हैं। ये इतने मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का पता है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, वो अगर निकाल लेते हैं तो इनको निकालना, इनको समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की। लीनियर पॉलिनोमियल वो वाले पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी डिग्री वन होती है। जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री आप निकालेंगे उसकी डिग्री जो है वन आएगी, तो वो आपके लीनियर पॉलिनोमियल कराएंगे। इस तरह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन से होते हैं जिनकी डिग्री जो है वो टू होती है। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन से होते हैं जिनकी डिग्री थ्री होती है, और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होते हैं ठीक है जिनकी डिग्री फोर होती है। ये अगर आपको याद हो गए हैं तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं। पहले जो बहुत आसान पार्ट है वो तो मैंने लिखे ही नहीं है, ठीक है, वो आपने खुद करना है। पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये तीन जो पार्ट है हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपके सामने इसको देखते हैं, आप ही बताएं कि इसकी जो डिग्री है वो कितनी है। ठीक है, सोच के बताएं इसकी डिग्री है कितनी है। ठीक है, बिल्कुल ठीक सोचा आपने, आपने बिल्कुल ठीक बताया कि इसकी जो डिग्री आपको नजर आ रही है, ठीक है, इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो इसकी जो पावर है थ्री है, इसकी पावर जो है वो टू है। इसमें हम जो आपके कांस्टेंट होते हैं ठीक है इनको इसकी डिग्री जो है वो मेंशन नहीं करते। ठीक है, इसकी हाईएस्ट जो पावर है आपको नजर आ रही है थ्री, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। पार्ट सिक्स है, पहले की फोर है, दूसरे की थ्री है, तीसरे की टू है। ठीक है, तो इसमें भी जो सबसे हाईएस्ट पावर है वो फोर है। ठीक है, तो ये बाई क्वाड्रेटिक जो है वो पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि इसकी जो पावर है वो फोर है, हाईएस्ट, सॉरी हाईएस्ट डिग्री जो है इसकी वो हाईएस्ट पावर फोर है, और इसकी डिग्री इसलिए इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फोर होगी। पार्ट सेवन की तरफ आते हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी वन है, इसके ऊपर भी वन है। ठीक है, ये दोनों को प्लस करेंगे तो फोर हो जाएगी। ठीक है, इन दो को प्लस करेंगे तो टू हो जाएगी। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो डिग्री है वो फोर है, इसलिए ये भी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये भी आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो भी फोर आ रही है। पार्ट इसका सेवन है, पार्ट सेवन में देखते हैं एक्स की पावर टू है प्लस एक्स की पावर वन, वाई की पावर वन, ये भी टू, इनको प्लस करेंगे टू हो जाता है, इन दोनों को भी प्लस करेंगे तो ये भी टू हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, यानी इसमें इसकी जो डिग्री है वो टू है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, आपने यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि इनकी जो पावर्स हैं सारे जो टर्म है उनकी पावर ऐड करते हैं, इसकी पावर टू है, इसकी पावर टू है, दोनों को ऐड करके इसको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख देंगे, तो ये आपने गलती नहीं करनी। डिग्री जो है वो किसी भी एक टर्म की हाईएस्ट पावर होती है, जितनी भी टर्म उसमें इस्तेमाल हुई है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वही उसकी जो है डिग्री कहलाएगी। उसी डिग्री के बेस के ऊपर आपने लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो बताना है कि डिग्री के बेस के ऊपर ये कौन से हैं। तो यहाँ पे आपका यूनिट वन है वो सॉरी एक्सरसाइज 5.1 जो है कम्प्लीट हो चुकी है। ठीक है, ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट जो डेफिनेशंस हैं ज़्यादातर उसमें यही थी, उसी को रिवाइज किया गया। ठीक है, तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एमसीक्यूज में काफ़ी सारे क्वेश्चन इनसे रिलेटेड पूछे जाएंगे, तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आपने इसको समझने की एक और एक नंबर आने तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आगे आके आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे। अगर आपने तैयार नहीं किए हुए तो आपसे आगे जो इसके लॉन्ग क्वेश्चन हैं अलजब्रा के अंदर वो आपसे सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो इनको याद करना ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है कि आगे जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको इन्हीं से सॉल्व होंगे। जब तक ये याद नहीं होंगे तो आपको आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे हल नहीं होंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये एक्सरसाइज जो है पूरी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर इसमें से कोई भी मसला पूरी एक्सरसाइज में तो आप बता सकते हैं, उसको जो है वो सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दें, अब नेक्स्ट जो है 5.2 के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जो है वो हाज़र होंगे और उसको 5.2 को जो है वो सॉल्व करेंगे।